हेलो गाइस, दिस इज मानसी फ्रॉम evidyahati.in। अब हम अपने लिटरेचर रीडर की यूनिट 13 स्टार्ट करें। द नेम ऑफ द यूनिट इज विला फॉर सेल। विला क्या होता है? इट इज अ बिग हाउस विद लॉट्स ऑफ लग्जरीज, ओके, एंड इट इज रिटन बाय साचा गिल्ट्री। सो इट इज बेसिकली अ ड्रामा। ड्रामा क्या होता है? जैसे आप देखते हो थिएटर्स में प्ले वगैरह होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्रामा, जिसके अंदर देयर आर डिफरेंट कैरेक्टर्स जो अलग अलग सीन्स में डायलॉग एक्सचेंज करते हैं या कुछ परफॉर्म करते हैं। सो दैट इज अ ड्रामा, ओके। सो सबसे पहले, जैसे कि चैप्टर का नेम ही है विला फॉर सेल, सो दिस मींस एक विला है जो कि सेल पे लगा हुआ, मतलब एक विला जिसको कोई बेचना चाहता है। नाउ बिफोर गेटिंग इन टू दिस स्टोरी कि क्या पूरी स्टोरी है, पहले हम इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। सो एक सबसे मेन तो पता चल गया विला है जिसको कोई बेचना चाहता है। सो द फर्स्ट मेन कैरेक्टर इज जूलियट। जूलियट इज द ओनर ऑफ दिस विला, ओके, एंड देन वी हैव अ कैरेक्टर विच इज मेड, जो जूलियट के यहाँ वर्क करती है, दैट इज द मेड, एंड देन देयर इज अ कपल गेस्टन एंड जेनी जो कि विला को देखने आएंगे, एंड देन अगेन देयर इज लास्ट कैरेक्टर विच इज मिसेस एल स्मिथ विच इज एन अमेरिकन फिल्म मेकर। सो आप देखते हैं यहाँ पे क्या कन्वर्सेशंस होती है, फाइनली कौन विला खरीदता है या नहीं खरीदता, लेट्स सी। सो द फर्स्ट सीन जो स्टार्ट होता है दैट इज बिटवीन द मेड एंड जूलियट, जूलियट विच वॉज द ओनर ऑफ द विला। सो कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, मेड जूलियट से पूछती है कि आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा कि आप अपना विला बेच रहे हो? सो जूलियट आगे से कहती है कि अगर जिस दिन मैंने इसे सेल पे लगाया था उसी दिन कोई खरीदेता तो शायद मुझे बुरा लगता, बट अब तो एक महीना हो गया इसको सेल पे लगाए हुए, कोई खरीदता ही नहीं है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि लोग सब फाइनल कर देते हैं फिर भी नहीं खरीदते। सो अब वो कह रही है कि अब मुझे किसी भी हालत में इस विला को बेचना ही बेचना है, चाहे मुझे कम पैसों में क्यों ना बेचना पड़े। सो वो मेड को बताती है, कहती है जब मैंने ये विला खरीदा था तो मैंने 50,000 फ्रांस में खरीदा था। फ्रांस होता है फ्रेंच की करेंसी, ओके, फ्रांस में जो करेंसी यूज होती है दैट इज फ्रांस, ओके। सो वो बताती है 50,000 फ्रांस में मैंने खरीदा था और मैं चाहती थी कि मैं इस विला को 200,000 फ्रांस में बेचूं, बट अब सिंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई आता नहीं है लेने, तो मैं अगर मुझे बेचना पड़ा तो मैं 100,000 फ्रांस में भी इसको बेच दूंगी, बिकॉज अब मैं बस चाहती हूँ जल्दी से बिक जाए और मैं यहाँ से निकलू। सो मेड उससे पूछती है बट ऐसा क्यों है, आप क्यों इसे ऐसे बेचना चाहते हो इतनी जल्दी में, इतना अच्छा घर है, आप रह सकते हो, आप आते हो यहाँ रहने वीकेंड्स पे। तो वो बताती है कि हाँ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इस टाइम मुझे पैसे चाहिए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस विला को बेच, ओके। देन वो कंटिन्यू करती है, जो जूलियट है, जो ओनर है, वो सोचती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये विला बिक क्यों नहीं रहा, मैंने तो सोचा था कि जैसे ही मैं इसे सेल पे लगाऊंगी तो बहुत लोग इसके लिए लड़ने लग जाएंगे और इसे जल्दी से फटाफट खरीद लेंगे। अब उसका रीजन देती है कि ये विला जॉइंट विला के इतने पास है। जॉइंट विला होता है जहां पे वहां फ्रांस की प्रोडक्शन हाउस की तरह बोल सकते हो, जहां पे फिल्म्स की शूटिंग होती है, तो वो वहां पे उसके बिल्कुल पास में था विला। तो वो सोचती थी कि ये इतनी अच्छी लोकेशन में है तो बहुत सारे लोग इसको लेना चाहते होंगे। तो मेन आगे से बोलती है, जॉइन विला से मुझे याद आया कल मुझे ऑफ चाहिए 9 बजे से लेके 12 बजे तक। तो जूलियट पूछती है ऑफ किस लिए चाहिए, तुम्हें क्यों जाना है? तो मेड आगे से बताती है कि एक्चुअली यहाँ पे कल एक शूटिंग है जिसमें मुझे मेड का रोल मिला है, सो मुझे उसके लिए जाना है। तो जूलियट बहुत शॉक होती है मेड का रोल, तो वो बताती है कि हाँ जो फिल्म बना रहे थे वो चाहते थे कि कोई ओरिजिनल मेड ही मेड का रोल प्ले करे, तो इसीलिए उन्होंने मुझे साइन किया है। प्लस वो बताती है कि वो लोग मुझे 100 फ्रांस दे रहे हैं इतने घंटे की परफॉर्मेंस के लिए पर डे, इसीलिए मैं उन्हें रिजेक्ट नहीं कर पाई। और वो बताती है सिंस आप मुझे महीने के 400 देते हो, वो मुझे 100 दे रहे हैं फॉर अ डे, इसलिए मैं इतना अच्छा ऑफर रिफ्यूज नहीं कर पाई। तो जूलियट बहुत शॉक होती है कि 100 फॉर अ डे दैट इज अ बिग अमाउंट। सो वो बोलती है कि मतलब अलाउ तो कर देती है, तो मैं थोड़ी देर रुक के सोच के उनसे पूछती है नर्वसली कि क्या आप रोल करना चाहोगे, वहां पे कुक का रोल भी है। तो जूलियट आगे से कहती है नहीं, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं वहां पे जाके अभी शूटिंग वगैरह ये सब करूं। जितने में ये कन्वर्सेशन चल रही होती है तो
यहाँ पे जूलियट को याद आता है कि एजेंट ने एक लेडी को भेजना था आज विला को देखने के लिए, तो वो मेड से पूछती है कि जो लेडी ने आना था वो कितने बजे आना है, तो उसको टाइम बताती है 4 से 5 के बीच में आएंगे। तो जूलियट कहती है ठीक है, देन वो कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। उतने में ही बेल रिंग होती है, सो जूलियट को लगता है कि वो लेडी आ गई जो विला देखने आने वाली थी। तो वो अपनी मेड को बोलते हैं तुम जाके गेट खोलो, मैं ऊपर जा रही हूँ, और अगर वो लेडी हो तो कहना अभी मैम थोड़ी देर में आ रही है, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं बहुत डेस्परेटली उनका वेट कर रही थी। तो अब सीन में से जूलियट ऊपर चली जाती है एंड मेड जाती है डोर ओपन करने। जब मेड डोर ओपन करती है तो वहां पे एक कपल खड़ा होता है विच इज गेस्टन एंड जेनी। तो वो उस कपल को बोलती है आप जाके बैठो, मैं भी मैडम को बुला के आती हूँ। सो यहाँ पे हमारा सीन वन जो है मेड के एग्जिट होने पे फिनिश हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सीन नंबर 2। सो हमने देखा ड्रामा का जो फर्स्ट सीन था उसमें मेड और जूलियट बातें कर रहे थे एंड देन एंड में बेल रिंग होती है एंड जूलियट ऊपर चली जाती है। सो मेड डोर ओपन करती है एंड डोर ओपन करने के बाद ये कपल होता है विच इज गेस्टिन एंड जेनी। सो इसके बारे में फर्स्टली दे हैव अ कपल एंड यहाँ पे जो जेनी है वो इंटरेस्टेड है विला खरीदने में, बट जो गेस्टिन है उसको विला नहीं खरीदना। रीजन क्या है, वो इसलिए नहीं खरीदना चाहता बिकॉज उसको लगता है कि हम तो यहाँ सिर्फ 1 महीना आएंगे, जेनी के पेरेंट्स ही यहाँ पे रहेंगे और जेनी की सिस्टर के सारे बच्चे वगैरह सब इसी में आ जाएंगे, तो मुझे ये नहीं खरीदना, पैसे वेस्ट नहीं करने। सो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अब आते हैं सीन में क्या होता है। सो जब वो एंटर करते हैं तो मेड उन्हें बोलती है कि आप बैठो, उन्हें बताते हैं कि हम विला देखने आए हैं। सो मेड बोलती है आप बैठो, मैं मैडम को बुला के आती हूँ। नाउ मेड चली जाती है, वो थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट कर देती है। सो गेस्टन स्टार्ट करते हैं कि बाहर गार्डन कितना छोटा है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। सो जेनी बोलती है लेकिन अंदर का इंटीरियर हाउस का कितना प्यारा है। तो गेस्टन आगे से बोलते हैं, अब मैं यहाँ पे इनका नेम लेने की जगह आई जस्ट से बॉय एंड गर्ल। सो आगे से ही बॉय बोलता है कि ये इंटीरियर तो तुम्हें हर जगह मिल जाएगा, इसके लिए इतना बड़ा विला खरीदने की क्या जरूरत है। सो देन गेस्टन और जाके वो लड़का जो भी इसको जो इंटरेस्टेड नहीं है वो और उसके विले की बुराइयां स्टार्ट कर देता है कि ये बेकार है, वो रूम देखो कितना छोटा सा है। तो बोलते इसको हम स्टडी रूम बना सकते हैं। ऐसे करते करते इनका डिस्कशन चल रहा होता है। जब वो इतनी बुराई कर देते तो जेनी आगे से बोलते कि तुम्हें विला लेना भी है, घर लेना भी है। सो आगे से बॉय कहते नहीं मेरे को तो नहीं लेना, मैं तो तुम्हारी वजह से आया हूँ। सो वो कहते जब आए हो तो देख ही लो ढंग से, तो देखो भी पूरा हमने विला देखा भी नहीं और तुम इतनी बुराइयां कर रहे हो। सो लड़का बोलता है कि मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ देखने में। तो लड़की कहती है कि इतने दिन से जो हम विला की बातें कर रहे थे, घर खरीदने की बातें कर रहे थे, तब तो तुमने नहीं कहा। तो आगे से बॉय बोलता है कि बातें तो बस तुम कर रही थी, मैं तो नहीं कर रहा था, मैं तो बस सुन रहा था। तो द गर्ल सेज अच्छा हो जो हम पिक्चर्स देख रहे थे, वो क्यों देख रहे थे इतनी सारी। तो आगे से बॉय कहता है पिक्चर्स भी तुम ही देख रही थी, मैं तो बोर हो चुका हूँ। तो वो कहती है इतना ही बोर हो गए हो तो ले लो ना घर, फिर खत्म करो। तो बॉय बोलता है पर मुझे लेना ही नहीं है घर, तो मैं क्यों लूं। तो गर्ल आगे से बोलते है मैं ये घर हमारे लिए तो दे रही हूँ। तो बॉय कहता है कि नहीं ये हमारे लिए नहीं ले रही तुम, हमने तो यहाँ पे मुश्किल से 1 ही मंथ के लिए आना है, बाकी तो तुम्हारे पेरेंट्स ही यहाँ पे रहेंगे, तुम्हारी सिस्टर के बच्चे आ जाएंगे, उन्हीं के लिए तुम ले रही हो ये वो। तो उन दोनों की ये आपस में बहस शुरू हो जाती है लेना है नहीं लेना। देन फाइनली जेनी कहती है कि अगर तुमने नहीं लेना तो चलो हम यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो उसने बोला कि तुम ही अंदर लेके आई हो, मैं तो तुम तो बोर्ड देख के बस अंदर आ गई, मैं तो लेना ही नहीं चाहता। तो वो दोनों खड़े होते हैं और वो बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही वो बाहर जाने लगते हैं जूलियट की एंट्री हो जाती है। तो जूलियट पूछती है कि तुम लोगों ने घर देख लिया एंड देन उन्हें ग्रीट करके बैठा देती है। अब सिंस वो बैठी गए तो वो विला की बातें स्टार्ट कर देते हैं। जूलियट उनको बताती है सिंस वो ओनर है तो जैसे आप किसी को भी घर दिखाओगे तो बहुत सारी चीजें बताओगी। तो वो उन्हें बताने लगती है कि हाँ ये फैसिलिटीज हैं इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की, तो जितनी भी जैसे अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सब बताती है। बोलती है अभी हमने थोड़ा टाइम पहले ही जो हमारे घर की रूफ है उसको रिपेयर करवाया था, ये वो करके वो उसे बताने लगती। तो जेनी बोलती है कि मुझे बहुत पसंद आया, अच्छा है। देन जेनी उससे पूछती है कि इसका प्राइस क्या है। अब जो जूलियट है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के बात करती है और वो बोलती है कि एक्चुअली मुझे विला नहीं बेचना। तो जैसे वो ये चीज बोलती है गेस्टन जिसको लेना ही नहीं था वो कहता चलो ठीक है फिर हम जाते हैं। फिर जेनी बोलती है अरे उनको अपनी बात कंप्लीट तो करने दो।
तो आगे से जूलियट बोलती है कि मुझे ये बेचना तो नहीं है बट मुझे आप लोगों को देख के लगता है कि आप परफेक्ट हो, जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है, तो वो इस तरह से घुमा फिरा के बातें करती है कि घर इतना अच्छा है मैं बेचना ही नहीं चाहती, बट आप लोग इसके लिए आप इतने टेक केयर करोगे मेरे घर की तो मैं आपको बेचने के लिए रेडी हूँ। तो जेनी पूछती है कि आप प्राइस तो बताओ, इसका विला का प्राइस क्या है, तो अगेन वो बातें घुमाने लग जाते हैं कि वो पेंटिंग देख रहे हो, वो पेंटिंग किसी बहुत फेमस पेंटर है कैरेट नाम से, उन्होंने साइन करी हुई है। तो आगे से गेस्टिन कहते नहीं मैंने तो उनका नाम पहले कभी नहीं सुना। तो जूलियट कहती है हाँ हो सकता है बट उसकी जो पेंटिंग है उसकी बहुत वैल्यू है, ये वो करके वो बातें बनाती है। एंड देन फाइनली वो बताती है कि मैं इस विला को 250,000 फ्रांक्स में बेचने के लिए रेडी हूँ। तो जैसे वो सुनते हैं तो गेस्टिन सबसे ज्यादा शॉक हो जाते हैं, कहते क्या इतना महंगा, इतने ज्यादा पैसे तो मैं इस विला के कभी भी नहीं दूंगा। तो जेनी पूछते है कि तुम भी कोई प्राइस कोट करो, कितने में तुम लोगे। तो आगे से गेस्टिन बोलते हैं मैं सिर्फ 60,000 फ्रांक्स दूंगा इस घर के लिए। तो जूलियट बहुत शॉक हो जाती है, कहती है इतने कम तो पॉसिबल ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैं इसके 200, ये मेरा लास्ट प्राइस है, 200,000 फ्रांक्स तक कम कर सकती हूँ, इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। सो वो दोनों फिर से कहते चलो चलते हैं फिर, हम इतना महंगा तो हमें लेना ही नहीं, ये वो करके। अब जूलियट कहती है, खड़ी हो जाती जूलियट भी, कि इससे कम में क्या दूंगी। तो जेनी बोलते है कि एक बार में अपर फ्लोर देखना चाहती हूँ, उसके बाद हम अपना माइंड मेकअप कर लेंगे लेना है या नहीं लेना। तो जूलियट कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। अब सीन में जूलियट जेनी को लेके अपर फ्लोर दिखाने जाती है, तो ये दोनों जैसे ही एग्जिट करते हैं तो सीन यहाँ पे एंड हो जाता है। अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। सो नाउ द नेक्स्ट सीन स्टार्ट्स। अभी हमने लास्ट सीन में देखा कि जूलियट जेनी को लेके फर्स्ट फ्लोर पे जाती है उसको अपर फ्लोर दिखाने के लिए। अब वहां पे जो गेस्टिन है वो नीचे बैठा हुआ है, वेट कर रहा है, वो उनके साथ नहीं जाता और वो बैठ के सोच रहा होता है कि इस विला के 200,000 फ्रांक्स में कभी भी नहीं दूंगा। इतने में बेल बजती है, मेड आती है, डोर ओपन करती है एंड वहां पे मिसेस ऑलस्मिथ खड़ी होती हैं। अब वो मेड बोलती है कि आप आइए अंदर आइए, तो वो उसको ही बोलती है, मेड से ही पूछती है मैं बहुत जल्दी हूँ, जल्दी से बताओ इस विला का क्या प्राइस है। और साथ में बोलती है कि तुम फ्रेंच के लोग ऐसे ही होते हो, फ्रांस के लोग ये नहीं कि बाहर ही प्राइस टैग लगवा दो, तुम लोगों के अलग ही बिजनेस टेक्टिक्स होते हैं। तो मेड बोलते है कि मुझे तो नहीं पता प्राइस, मैं मैडम को बुला देती हूँ, आप वेट करो। अब वो मेड चली जाती है मैडम को बुलाने के लिए एंड जो मिसेस ऑलस्मिथ है जब वो अंदर आती है तो वो गेस्टिन को देखती है एंड उनको लगता है कि ये जूलियट का हस्बैंड है, मींस उसे लगता है ये भी ऑनर है इस विला का। तो वो आके इनसे बात करनी स्टार्ट करती है और आती पूछते तुम्हारी वाइफ कहाँ है। अब गेस्टिन आंसर देता है वो तो ऊपर गई है। तो वो बोलती है कि तुम्हें ये विला बेचना है, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं रुक सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी से बताओ उसका प्राइस क्या है। तो वो कुछ बोलता उतने में वो बोलती है कि तुम फ्रेंड्स के लोग ना एक तो बिना डिस्कस के कोई जल्दी से फैसला कर ही नहीं सकते। अब गेस्टिन थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और जैसे वो उसको समझ तो आ जाते हैं कि ये मुझे समझ रही है, जूलियट की हस्बैंड, जूलियट का हस्बैंड समझ रही है, तो वो भी साथ में उसके लग जाते हैं, बोलते हाँ हाँ हमें बेचना है घर। तो उसको घर की बातें बताने लग जाता है जैसे जूलियट ने उसको बताई थी कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, ये है वो है। अगेन स्मिथ बोलते कि मुझे ये सब नहीं जानना, मुझे बताओ प्राइस कितना है। तो फिर से वो शुरू हो जाता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने ये घर बनवाया था एंड ये वो ऐसे करके वो बातें बनाने लगता है। तो ऑलस्मिथ बोलते मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है और तुम ये मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे प्राइस बता दो। तो आगे से वो बोलता है अब एक बार घर तो देख लो, उसके बाद हम प्राइस डिस्कस करते हैं। तो ऑलस्मिथ बोलते कि मुझे घर को नहीं देखना, मुझे यहाँ पे वैसे भी इस विला को तोड़ के एक बंगलो बनाना है क्योंकि मुझे पेरामोन के आसपास रह रहे, बिकॉज मुझे यहाँ पे फिल्म शूट करनी है। सो अब जो गेस्टिन है वो उसको प्राइस बताता है और प्राइस उसको बताता है 300,000 फ्रांक्स। सो जैसे वो उसको प्राइस बताते हैं मिसेस स्मिथ वो बहुत जल्दी कहती है मेरी चेकबुक, अपनी चेकबुक निकालती है एंड कहती है मैं यहाँ पे चेक काट के दे रही हूँ, और वो चेक काट देती है, डेट पूछती है तो गेस्टिन उन्हें डेट बताता है 24। तो वो डेट डालती है, चेक बनाती है और चेक फाड़ के उसको दे देती है और कहती है अपना नाम वगैरह लिख लेना, मैं इस होटल में रहती हूँ एंड मेरे लॉयर से आप मिल लेना और जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर लेना। अब गेस्टिन वो चेक ले लेता है एंड पूछता है कि वो सॉरी ऑलस्मिथ उनसे पूछती है कि आप ये घर खाली कब करोगे। तो वो बोलता है कि जब आप कहो हम खाली कर देंगे। तो वो बोलती है कल तक आप ये घर खाली कर देना एंड देन उससे वो बताता है
कि घर तो आपको दे देंगे बट ये जो पेंटिंग है ना ये मेरे दादाजी की है, तो ये पेंटिंग मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पास रखूं। तो फिर से वो ने टॉन्ट मारते कि तुम फ्रांस के लोग हमेशा पास्ट में ही घुसे रहते हो, तुम पास्ट का ही सोचते रहते हो, हम अमेरिकन्स तो हमेशा फ्यूचर का सोचते हैं। वो चेक दे के चली जाती है। अब गेस्टिन बहुत खुश होता है, वो बोलता है कि मुझे जो प्राइस बताया गया था वो तो 200,000 francs था और मैंने इस लेडी से 300,000 francs ले लिए, मतलब कि मुझे 100,000 francs का फायदा हो जाएगा अब अगर मैं ये घर 200,000 francs में खरीद लूंगा। सो वो चेक देख के बहुत खुश होता है एंड मिसेज ऑल्समिथ तो जा चुकी है। सो अब यहाँ पे हमारा ये सीन एंड होता है। सो लेट्स कम टू दी नेक्स्ट सीन। नाउ स्टार्ट्स दी लास्ट सीन। अब यहाँ पे अभी तक हमने देखा कि जो मिसेस स्मिथ है वो अपना 300,000 का जो चेक है वो गेस्टिन को देके जा चुके हैं, जिसपे उन्होंने नेम भी नहीं लिखा। अब क्या करते हैं, जो जूलियट और जेनी ऊपर वाला फ्लोर देखने गए थे वो नीचे आ जाते हैं। अब देखो गेस्टिन अभी तक बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था कि उसे विला खरीदना है, अब वो विला खरीदना चाहते हैं बट वो एकदम से बोलेगा तो शक हो जाएगा। तो जैसे ही वो दोनों आते हैं, वो थोड़ा डिस्कस करते हुए आते हैं कि बहुत अच्छा बना हुआ है ऊपर ये वो करके, तो जेनी आके गेस्टिन को बोलती है चलो चलते हैं, बिकॉज जेनी को भी लगता है इतना महंगा घर है ये तो कभी मानेगा नहीं लेने के लिए। उतने में जूलियट ऐसे ही कुछ बातचीत करने के लिए बोल देती है कि यहाँ पे दो बड़े बड़े बेडरूम्स भी हैं और एक छोटा बेडरूम भी है। अब गेस्टिन इस मौके का फायदा उठाते हैं कि चलो कुछ बोला है तो कुछ मुझे भी बोलने को मिल गया, तो वो बोलता है अच्छा दो बड़े बड़े बेडरूम्स हैं और एक छोटा भी, मतलब वो अपनी एक्साइटमेंट दिखा रहे कि हाँ उसे बहुत अच्छा लगा ये सुन के और अब वो इंटरेस्टेड हो रहा है। तो आगे बताती है हाँ और दो रूम्स है सर्वेंट्स के लिए भी, तो फिर बोलते हैं अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है ये वो। तो जेनी को लगता है कि ये उसका मजाक उड़ा रहे, तो वो बोलते हैं कि तुम मजाक मत करो और चलो। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं तुम सोचो, अभी तुम जब ऊपर गई थी ना तो मैं सोच रहा था तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में और मुझे लगा तुम्हारी बहन के बच्चे भी यहाँ पे आराम से आके रह सकते हैं, यहाँ इतने सारे कमरे हैं और हमने भी तो कभी ना कभी बूढ़े होना है ना, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम ये विला खरीद लेते। और वो जूलियट से पूछता है कि आपने कितने पैसे बोले थे 200,000 francs ना, तो जूलियट बोलती है हाँ हाँ। तो वो गेस्टन अपनी चेकबुक निकालता है और एक चेक कट करके दे देता है 200,000 francs का और उनको बोलते हैं कि आप हमें रिसिप्ट दे दो कि जो भी वहां पे जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो वो निकालती है और उसको बोलती है इसमें नेम वगैरह आप फिल कर दो। अब जब वो रिसिप्ट फिल करने लगता है तो गेस्टन उसमें डेट डालता है, कहते हैं आज 23 है ना और डेट 23 डाल। तो जूलियट बोलती है नहीं नहीं आज 24 है। तो वो बोलते एक दिन पहले एक दिन बाद क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे उसने ऐसा क्यों किया, उसने डेट 23 क्यों डाली, बिकॉज जब रिकॉर्ड्स में आएगा तो ये होगा कि जूलियट ने गेस्टन को घर 23 को बेचा और गेस्टन ने फिर जब उसका हो गया विला तो वो उसने ऑल्समिथ को 24 को बेचा। सो यू कैन सी ही इज अ वेरी बिजनेस माइंडेड मैन, इसीलिए उसने जान के डेट गलत डाली थी, राइट। सो देन जो भी रिसिप्ट वगैरह है वो ले लेता है और उसके बाद कहते हैं कि यहाँ जो ये पेंटिंग लगी हुई है ना ये पेंटिंग मैं अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ ताकि मुझे इस घर का ही रहे कि हाँ कुछ चीज मैं अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। तो जूलियट को तो जितना वो चाहती थी उतने पैसे मिल गए थे तो वो खुशी खुशी बोल देते कि हाँ हाँ आप ले जाओ पेंटिंग। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो जेनी बड़ा शॉक्ड होती है कि इसने इतनी जल्दी से ये डील कैसे कर ली। तो वो गेस्टन से पूछती है कि तुम्हारा दिमाग टूट ठीक है, तुमने 200 की क्या करके आई हो तुम अंदर। तो वो बोलते है कुछ नहीं बस 100,000 francs कमा के और एक कैरेट की पेंटिंग लेके आया। तो जेनी उसे बोलती है मतलब, तो उसने कहा मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा एंड देन वो एग्जिट करते हैं एंड द कर्टेन फॉल्स, मींस दिस इज द एंड ऑफ द ड्रामा। सो आपने देखा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मुझे तो काफी फनी भी लगा बीच में, सो इट वॉज एन ओवरऑल इंटरेस्टिंग ड्रामा। अब देखो सिंस इट इज अ ड्रामा तो इसमें से छोटी छोटी क्वेश्चंस नहीं आते, इसमें से जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो ही मेन आपके पास आएंगे। तो अगर आपको समरी पता है, आपको पता है ड्रामा में क्या हुआ है, तो आप आराम से इसके आंसर्स अटेम्प्ट कर पाओगे। आई होप आपको समरी समझ आ गई है। स्टिल अगर कोई भी डाउट है कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।